हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे लाइव में बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया। आप देख सकते हो एक केस है जो मेस्टाइटिस का, यह हैवी फाइनेंशियल लॉस ऑफ होनर, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इसमें होनर को इस डिजीज के कारण। और ये दो कारणों के कारण होता है, इन्फेक्शियस एजेंट के कारण और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के कारण। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, माइकोप्लाज्मा और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है इंजरी ऑफ टीथ आर्टरी, इनकम्प्लीट अरेगुलर मिल्किंग, इम्प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक या अनहाइजेनिक कंडीशन है। ये इनमें क्लिनिकल साइन यानी टू स्टेज में होता है, एक्यूट फॉर्म में और क्रोनिक स्टेज में। एक्यूट फॉर्म में फीवर हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन घटने लग जाता है इस और अडर स्वेलिंग और हॉट यानी गर्म हो जाता है। और आप हाथ लगा के देखोगे तो उसको पेनफुल यानी पेन होने लगता है। साथ में मिल्क का कलर चेंज हो जाता है, येलो ब्राउनिश। क्रोनिक स्टेज में ये इसमें स्वेलिंग नहीं होती है बिल्कुल अडर में, और फाइब्रोसिस एट्रोपिन अडर हो जाता है और मिल्क का कलर सो विजिबल चेंजेज हो जाता है और मिल्क घट जाता है। और इसमें ये आप देख सकते हो इस कैटल में क्रोनिक स्टेज में मेस्टाइटिस था, बहुत ज़्यादा आर्डर हार्ड हो चुका था, तो हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट में हमने इसको मेलोक्सिकम 15 ml और साथ में सेप्टिक जोन, टेजोवेक्टम 4.5 ग्राम, टाइवेट 15 ml, CPM 15 ml और टोनोपोस्फेन 20 ml लगवाए। साथ में हमने सुबह और शाम को पेनिस्ट्रिन SH 6 ml वाली सुबह और शाम दूध निकालने के बाद में इसको अडर में टीथ में लगवाने के बाद में 3 दिन तक इसका ट्रीटमेंट किया। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।